अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नदीम रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज के अंदर हम मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास टाइप वन का, कि टाइप वन के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, 2x² - 11x + 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आप इसको मसावात नंबर वन यानी इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें। अब हमने इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो इसको हम किसी दूसरे वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज दैट के x² इज इक्वल टू y के, हमने इसको y के साथ रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम इसका स्केयर ले लें तो ये बन जाएगा x² raised to power 2 इज इक्वल टू y², तो ये बन जाएगा x^4 इज इक्वल टू y². अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन के अंदर जहाँ पे x² होगा वहाँ पे हम उसकी वैल्यू y ऐड दर्ज करेंगे, और जहाँ पे x^4 होगा वहाँ पे हम y² पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, पुटिंग x² इज इक्वल टू y एंड x^4 इज इक्वल टू y² इन इक्वेशन वन। दिस इम्प्लाइज दैट 2x² - 11 2y² आ जाएगा, 2y² - 11y + 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में, 2y² - 11y + 5 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ से a इक्वल आ जाएगा 2k, b इज इक्वल टू -11 एंड c इज इक्वल टू 5। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इन वेरिएबल y इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac√2a। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल आ जाएगा माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -11, तो यहाँ पे हम -11 पुट कर लेते हैं, +-11² - 4 a की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड c की वैल्यू है 5। √2 * a क्या है हमारे पास, 2 है, तो y इक्वल आ जाएगा -(-+11) - -11² होता है 121, -2 * 4 = 8, 8 * 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 40। √2 * 2 = 4, 11 + -21 में से हम 40 निकालें तो हमारे पास 81 आता है, 81√4। y इज इक्वल टू 11 + -81√ होता है 9/4। अब हम y के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो एक दफ़ा 9 को हम किस में प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा 9 के हम माइनस में लिखेंगे (÷4). y इज इक्वल टू 11 + 9 = 20, 20/4, y इज इक्वल टू 4 के साथ कैंसिल 5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 11 - 9 = 2/4, 2 कैंसिल हो गया किसके साथ, 4 के साथ, तो यह बन जाएगा 1/2। अब हम जानते हैं कि हमने पुट किया था x² को किसके इक्वल, y के। अब हम बारी बारी y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हम
इसको दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन वाई इज इक्वल टू फाइव, यानी जब हमारे पास वाई फाइव होगा तो वन इम्प्लाइज दैट, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू फाइव आ गई, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस माइनस फाइव अंडर रूट, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव अंडर रूट, क्योंकि फाइव का स्क्वायर कंप्लीट नहीं है तो इसके साथ अंडर रूट रहेगा। अब व्हेन वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय टू, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू अंडर रूट प्लस माइनस, यानी इसका अगर स्क्वायर ले लें तो अंडर रूट ये कैंसिल हो जाता है, तो एक्स बराबर आ जाता है हमारे पास प्लस माइनस वन बाय टू अंडर रूट। तो इस इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, प्लस माइनस फाइव अंडर रूट एंड प्लस माइनस वन बाय टू अंडर रूट।